गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और उसमें हमें टॉपिक पढ़ना था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे नोट्स में सिर्फ एक वर्ड में लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। आज उस डेप्रिसिएशन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तीन तरीके के डेप्रिसिएशन होते हैं आपके, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ असेट लगता है, जब तक असेट रहेगी तब तक। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट लगता है, जब आप कोई नया असेट परचेज करके लाते हो तो उस नए असेट पे फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट लगता है। सिंपल है समझना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जब तक असेट हमारे पास रहेगी तब तक चलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन वो असेट का जो पहला साल होगा ना तब लगेगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन वो असेट का जो एंड वाला ईयर होगा ना जब अपन ने उसको सेल कर दी तब लगेगा। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल है समझना। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक ही असेट पे तीनों डेप्रिसिएशन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। टर्मिनल डेप्रिसिएशन एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ असेट पे लगता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ असेट पे लगता है, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन सारे ही असेट पे लगता है। अपन वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन, मैं आपको ये बात पहले ही समझा चुका हूँ कि सरकार के पास अब इतना टाइम नहीं है कि जैसे आपको फाउंडेशन में सिखाया कि एक एक असेट पे एक एक करके अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, नंबर ऑफ डेज गिन के लगाएंगे, परचेज और सेल के टाइम पे उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, मतलब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, इतना टाइम नहीं है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि मेरी इस छोटी सी क्लासेस में ही 50 तरीके के असेट है, और मैं उस 50 तरीके के असेट पे अगर डेप्रिसिएशन लगाना जाऊँ उनके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली, तो एक्सेल में 50 कॉलम बन जाएंगे, और किसी बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तो कितने सारे असेट्स होंगे। तो ऐसे बारीक बारीक कैलकुलेशन को चेक कौन करेगा, तुम तो बना दोगे, उस शीट को चेक कौन करेगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो फिर क्या करोगे सर, हम तो बड़ा सिंपल तरीके से एक कंसेप्ट अपनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट। इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलर कैटेगरी के असेट्स का क्या बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे, ठीक है, और उस ब्लॉक पे लगाएंगे हम WDV, और रेट भी जो हम स्पेसिफाई करेंगे वही रेट लगेगी, तुम्हारी मन मर्जी की रेट नहीं लगेगी। क्योंकि अकाउंटेंसी में तो क्वेश्चन बनाने के लिए कोई सा भी रेट दे देते हैं आपको, इवन कंपनीज एक्ट ने भी डेप्रिसिएशन की अलग अलग रेट गिवन है। किसके हिसाब से, कि अगर आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, आपके जो असेट्स हैं, वो अगर सिंगल शिफ्ट में काम करते हैं तो इस रेट से लगेगा, डबल शिफ्ट चलती है तो इस रेट से लगेगा, ट्रिपल शिफ्ट चलती है तो इस रेट से लगेगा। समझ में आया। तो उन्होंने भी बहुत सारी रेट्स दे रखी है, हर असेट की तीन रेट दे रखी है। पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं देखो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हर असेट की अलग अलग रेट दे तुम्हें, तो हमने तो पहले सारे सिमिलर कैटेगरी के असेट्स को ब्लॉक बनाया और उसकी एक सिंगल रेट दे दी। तो हमें जो याद रखना है ना, वो ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट की रेट याद रखनी। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन खुद अपने आप में बहुत सिंपल है, क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने अपना काम बचाने के लिए बहुत उसको सिंपल रख रखा है, तो हमारे लिए भी काम बहुत आसान हो गया है। जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके लिए, ब्लॉक की रेट। तो आप आओ आपके पेज नंबर 4.193 पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला टेंजिबल असेट्स, ब्लॉक वन बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल यूज एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउस, क्योंकि वो तो कमर्शियली हो गया। रेजिडेंशियल यूज में बिल्डिंग्स मतलब, अब मैं पर्सनल हाउस की नहीं कह रहा हूँ जिसमें हम खुद रह रहे हैं, मैं रेजिडेंशियल पर्पज़ वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बिल्डिंग जो बिजनेस में काम में आ रही है और रेजिडेंशियल पर्पज़ में काम में आ रही है। एग्जाम्पल, मैंने मेरे ही टीचर्स के लिए स्टाफ क्वार्टर्स बना दिए, अब वो जो मैंने बिल्डिंग बनाई वो तो बिजनेस का असेट है ना, और किस में काम में आ रहा है, रेजिडेंशियल पर्पज़ में काम में आ रहा है, तो फिर उसमें कितना लगेगा, 5%। रेजिडेंशियल पर्पज़ के सिवा और कोई सा पर्पज़ हो, नॉट यूज मेनली ऑन रेजिडेंशियल पर्पज़, फिर कोई सा भी हो,
तो उस पर कितना लगेगा 10%। तो मैक्सिमम कौन सा लगता है 10%। जैसे मेरी ये बिल्डिंग किसके काम में आ रही है, ये बिजनेस के काम में, और रेजिडेंशियल में काम में आ रही है क्या? नहीं। तो इस पर कितना लगेगा 10%। समझ में आया? नीचे दुकान है, इस पर कितना लगेगा 10%। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अगला चलते हैं अपन ब्लॉक 3। पढ़ने से पहले ही समझा दूँ, टेम्प्रेरी नेचर के जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, टेम्प्रेरी नेचर्स के, आपने देखा होगा जब कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनती है तो पहले उसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, ऑफिसेज केबिन्स बनाए जाते हैं, लेबर्स के लिए हट्स बनाई जाती है जो वहीं रहती है। फिर वो बिल्डिंग जब तक बनती है वो लोग बने रहते हैं, बिल्डिंग बनने के बाद उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो जितनी भी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पर लगेगा 40%। ठीक है, बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड विच जो मैं बोल रहा था वो ये वाला। टेम्प्रेरी इरेक्शन वो ये वाला है, कितना परसेंट? 40%। ब्लॉक 3 अलग है। ब्लॉक 3 क्या है कि 1 सितंबर 2002 के बाद प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम विच इज़ पुट टू यूज़ फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब ये मेरे हिसाब से तो रेयर ही आएगा क्वेश्चन में, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है इस क्वेश्चन में आया हुआ। 2002 के बाद प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए आपने बिल्डिंग बनाई हो जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को, मतलब वाटर सप्लाई करती हो कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए। मतलब सरकार मान लो कहीं पे कोई हाईवे बना रही है, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए अब हमें एक प्रोजेक्ट डालना है, तो उस प्रोजेक्ट में जितनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होगी उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया तो उस पर भी कितना परसेंट? 40%। और इतना घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी बात कह दी ना उन्होंने तो हमें ये वैसे ही याद रह जाएगी। ठीक है, और ये 40% की जो रेट है ना वो बहुत ही बेसिक रेट है। आप इसको अब मल्टीपल टाइम्स देखो, पहले क्या होता था बहुत सारी चीज़ों में सरकार ने रेट 100% तक कर रखी थी, किसी में 60% कर रखी थी, किसी में 100% कर रखी थी। फिर हमारे प्यारे मोदी जी आए और उन्होंने वो सारी रेटें गिरा के कितनी कर दी? 40% कर दी। तो मुझे तो अब चीज़ें याद रखना बहुत सिंपल हो गया कि जितनी भी पहले हाई रेट्स थी अब वो कहाँ तक सीमित हो गई? 40% में। आप लोग कैसे याद रखोगे? सर अब मैक्सिमम रेट कितनी है? 40%। ठीक है, 5, 10 और 40। रेजिडेंशियल पर्पज़ 5, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ 10, और बाकी सब बची कुची क्या है आपके लिए? 40, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर की हो या प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने वाली हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लॉक फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सिंपल है, ये तो स्टार मार्क करेंगे इसके ऊपर 3। क्वेश्चन में आता है कितना परसेंट? 10%। बिल्डिंग और फर्नीचर पे कितना परसेंट है? 10%। अगला वाला वैसे आपके ईयर में इसका रिलेवेंस थोड़ा ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये एक स्पेशल ब्लॉक बनाया गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1920 में एक रिसेशन आया था जब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया से बाहर जा रही थी या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रद्द कर रही थी, बहुत सारे लोगों की जॉब गई। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया उस सेक्टर को बूम देने के लिए, रिसेशन को रोकने के लिए, कि इस टाइम पीरियड में कोई भी अब मोटर कार खरीदेगा तो जनरली उसके ऊपर लगता था 15%। जनरली मोटर कार पे कितना लगता था? 15% का डेप्रिसिएशन। पर इस टाइम पीरियड में आपने ख़रीदा है तो कितना लगेगा? 30%। 23rd अगस्त 2019 से लेके 31st मार्च 2020 तक, 23rd अगस्त में मनीष की गर्लफ्रेंड का बर्थडे आता है, तुम लोग याद रखोगे। कब आता है मनीष की गर्लफ्रेंड का बर्थडे? 20
बोल, कब आता है तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे? वही ना 23rd अगस्त। ये मनुष्य थी वो, उसके पैदा होते ही रिसेशन आ गया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, साइकिल गिफ्ट करना तू उसको, ठीक है, चलो हो गया ये। अगला, अरे तू चुप रहे यार, बातें मत करा कर मुझसे। मोटर कार्स, अदर देन दोज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हाई, जनरल कैटेगरी, हमें ये याद है, हमें ये याद है, कौन सी अदर देन दोज ऑफ रनिंग यूज इन हायर, मतलब वो शब्बीर सर ने एक टवेरा ले ली थी किराए पे चलाने के लिए, है ना, तो उस पर कितना लगता, 30% किराए पे चलाने वाले। अभी वो किराए वाली बात अपन ने पढ़ी नहीं है, लेकिन वो गाड़ी अलग, फिर मैंने ले ली एक खुद के दौड़ाने के लिए, तो कौन सी है, 15% वाली, ठीक है। मोटर कार कितनी याद रखनी है आपको, 15%। अब मोटर कार, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड 23rd August to 31st March 2020, मनीष की मनुष गर्लफ्रेंड है ना, 45%। और 45% मतलब पहले तो रेट कितनी थी, 15 और 30, बेसिक रेट, ढंग से सुनना वहाँ मत देख, बेसिक रेट कितनी थी, 15% और 30%, 15% जिनको किराए पे नहीं चलाते उनकी 15%, जो किराए पे चलाते हैं उनकी 30%, मतलब वो अभी किसी ने बोला जिसकी यूटिलिटी कम है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, जिसको हम ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं उस पर ज़्यादा डिप्रिसिएशन लगा लें, किराए पे चलाते हो तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो डिप्रिसिएशन हायर रेट से 30% से, खुद चलाते हो तो इतनी थोड़ी चलेगी, तो कितना परसेंट, 15%, डन। तो रेट कितनी थी, 15 और 30। पर जब ये मनीष की गर्लफ्रेंड पैदा हुई, बहुत छोटी गर्लफ्रेंड है वैसे तेरी, मनीष की गर्लफ्रेंड जब पैदा हुई तो दोनों को 15% से क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिया, 15 वाले को 30 कर दिया, 30 वाले को कितना कर दिया, 45, डबल याद मत रखना, 15% से बढ़ाया, 15 वाले को 30 कर दिया और 30 वाले को 45 कर दिया, डन। तो यार वो जो आँख पे दो ब्लॉक हुआ करते थे ना, वहाँ पे अब दो के बदले में कितने ब्लॉक हो गए, 40, 15 के बदले हो गया 30 और 30 के बदले हो गया 45। ये वाला कौन सा है, रनिंग डैम ऑन हायर वाला, ये कौन सा है, रनिंग डैम ऑन हायर वाला, ये कौन सा है, नॉर्मल। अच्छा, वापस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय एक बात तो दिमाग में बिठा लेना, जिन असेट्स को आप पर्सनल यूज में लेते हो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, है ना, तो अदरवाइज देन फॉर रनिंग डैम ऑन हायर वाली बात कौन सी हो रही है, बिजनेस में काम में ले रहे, मैंने कार ले रखी है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस से सिलसिले में कहीं आना जाना होता है तो उसी कार से जाता हूँ, तो वो 15%, समझ में आया। लेकिन एक कार मेरी पर्सनल है जो बिजनेस का असेट नहीं है, मेरी खुद की है, और उससे मैं मेरा थोड़ा सा बिजनेस का भी काम कर लूँ और पर्सनल भी काम कर लूँ, अभी हाल फिलहाल यूँ मान लो बिजनेस का नहीं कर रहा हूँ पर्सनली कर रहा हूँ तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा बिजनेस का भी कर रहा हूँ थोड़ा पर्सनल का भी कर रहा हूँ तो उसका एक रूल है, और वो रूल अपन अभी ये पूरे ब्लॉक्स पढ़ लें उसके बाद समझें, ठीक है। यार इसमें एक चीज़ तो पढ़ाई नहीं आपको, ब्लॉक के नंबर इनके बाप के राज चल रहे हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से दे रखे। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया तो ये तो आएगा ही आएगा। तुम्हें पता पड़े कितना इम्पोर्टेंट है, प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट, 15%, डन। इसके सिवा अब कुछ काम का नहीं, एक आधी चीज़ और आएगी काम की, बाकी कुछ काम का नहीं, एवं ही पढ़ा। मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री, क्या होता है मोल्ड्स, सांचे, सांचे, वेरी गुड,
एयरप्लेन्स एंड एरो इंजन्स कितना परसेंट? 40%। काम का नहीं, क्वेश्चन में नहीं आता, ना ये आता है ना ये आता है। स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये आता है, कभी कभार आता है। जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, अब पोल्यूशन कैसा भी हो, एयरप्लेन एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल हो, और कोई पोल्यूशन होता है क्या? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल, इन सब के जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है उस पर कितना परसेंट है? 40%। ठीक है, नेक्स्ट। प्रशांत डाउट पूछ रहा है कि जो वो वैन वाले पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाते हैं PUC, उस पर भी 40% ही लगता होगा। अरे बेवकूफ़, वो तो आपकी गाड़ियों को चेक करके आपका सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे डिवाइसेस की जो पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ये डिवाइसेस चिमनी वगैरह में लगते हैं, जो हमारे थर्मल की चिमनी है ना, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं ताकि जहरीली गैस कहाँ नहीं आए, बाहर नहीं आए। तो ऐसे डिवाइसेस, काफ़ी महंगे महंगे डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेस पे 40% की क्या लगेगी? रेट लगेगी। समझ में आया? ठीक है, चल क्यों नहीं रहा यार, ये डेड हो गया कि ये लगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग ऑल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आई डोंट नो क्या वाला है ये, इसमें भी कितना परसेंट लगेगा? 30%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स 40%। मशीनरी एंड प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2022 इन अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इज पुट टू यूज फॉर पर्पस। ये तो वही वाला है यार, वापस क्यों आ गए? अच्छा, ऊपर बिल्डिंग था और नीचे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, कितना परसेंट है? 40%। ऑयल वेल्स 15%। रीन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेज 40%। विंड मिल्स एनी स्पेसिफिक डिज़ाइन 40 40 40, विंड मिल्स 15, ये वाला इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%। अगला फिर इम्पोर्टेंट है बुक्स, इम्पोर्टेंट बात, एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस ओन्ड बाय असेसी कैरिंग ऑन बाय द प्रोफेशन। तुम लोग जो प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल हो, तुम किताब खरीद के लाओगे तो 40% का डेप्रिसिएशन लगेगा। बुक्स ओन्ड बाय असेसी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग देम रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी वाले खरीदेंगे तो उनको भी कितना लगेगा? 40%। उनके सिवा कोई खरीदेंगे तो उन पे लगेगा 15%। मतलब अब प्लांट एंड सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले भी बुक खरीद के लाते हैं, उनकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लॉस वगैरह लगते हैं, तो उन लॉस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो भी बुक खरीद के लाते हैं, तो उन बुक्स पे कितना लगेगा? 15%। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर बुक खरीद के लाएंगे तो कितना लगेगा? 40%। ठीक है, और लाइब्रेरी वाले खरीद के लाएंगे तो 40%। ठीक है, अब है ना, इन्होंने इतने सारे ब्लॉक तो बना दिए पर ढंग से समझा नहीं पाए, एक गलती हो गई इनसे समझाने में। खूबसूरत सी राइटिंग में बुक्स, कोई सी भी हो,
लो बेटा आप देख लो प्लीज़, दो चीज़ें बड़ी सिंपल है, लाइब्रेरी 40%, प्रोफेशनल 40%, कोई बाइफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एनुअल पब्लिकेशन हो कि नॉन पब्लिकेशन। पहले तो समझ लो एनुअल पब्लिकेशन क्या होता है, ऐसी बुक जो हर साल छापनी पड़ती हो, पिछले साल की काम नहीं लगेगी आपकी इनकम टैक्स की बुक, हर साल लॉ चेंज होता है ना तो हर साल छापनी पड़ती है, आपकी पुरानी वाली काम नहीं चलेगी। लेकिन FM और कॉस्टिंग की बुक वो एक बार जो छप गई सो छप गई, हर बार नई छापने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो नॉन एनुअल पब्लिकेशन। अब हमारे प्रोफेशनल भाई साहब और लाइब्रेरी वाले तो कोई से भी खरीदे, उनकी किताबें ज़्यादा यूज़ में आती है ना, तो उनकी कितना परसेंट, 40%। हमारा जो नॉन प्रोफेशनल भाई साहब है वो अगर एनुअल वाली ख़रीद रहा है तो कितना परसेंट, 40%, और नॉन एनुअल वाली ख़रीद रहा है तो कितना परसेंट, 15%। ऐसा क्यों? क्योंकि एनुअल वाली तो इसी साल काम में आएगी, इसलिए ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिया 40%, और नॉन एनुअल है तो कितनी परसेंट है, 15%। डन, समझ में? हाँ, एनुअल वाले की 100 होनी चाहिए ना, पहले 100 ही थी, हमारे मोदी जी ने कम कर दी। ठीक है, अरे यार तुम बीजेपी के बारे में कुछ मत बोला करो, ये प्रशांत चिढ़ जाता है हमारा, प्रशांत डायहार्ड फैन है, नहीं है तू? शिप्स विप्स किसी काम के नहीं है, तेल लेने जानते शिप्स को, इनटेंजिबल असेट्स मैंने अभी भी डाउन हाईलाइट कर रखा है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। इनटेंजिबल असेट्स में पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ वाली गुडविल असेट नहीं मानी जाती थी, इस बार आपकी बुक में लिखा हुआ है नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल को छोड़ के बाकी सारे इंटेंजिबल असेट्स पे कितना परसेंट लगेगा, 25% लगेगा। पहले भी यही रेट थी 25%। इंटेंजिबल असेट्स पे बचपन से कितना परसेंट लग रहा है, 25%, है ना? अब वो पहले तो सिर्फ यूँ लिखा हुआ था एंड में, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन इज नॉट अ असेट। नहीं यार, ये तो कैपिटल गेन में लिखा हुआ था, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इसमें, अब ये पहली बार लिखा हुआ है, पहले तो गुडविल आता था इधर, ये बात ही पहली बार लिखी हुई है ये। हाँ, अब मान रहे हो उसको कैपिटल असेट, ये याद रखना, गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बाकी सब पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना परसेंट, 25%। इसका अपन ने एक रूल और पढ़ा है अभी कि 1998 से पहले आपने गुडविल पेटेंट और कॉपीराइट खरीदे हो तो 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है। फिर अपन ने रिलेवेंट लिख दिया था कि 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो बीत चुकी है तो डिडक्शन तो मिलेगा नहीं। फिर हमने पढ़ा था रिलेवेंसी कैसे है कि उसको अगर आप अभी बेच दोगे तो जो इनकम होगी वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी अप टू इट्स कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर जो होगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो 1998 के बाद पहले वाली तो इरेलेवेंट हो गई ना, उस पर तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है। उसके बाद जो भी आप खरीद रहे हो इंटेंजिबल असेट, उस पर कितना लगेगा, अब आपका 25% लगेगा। ठीक है, और ये रेट्स आपकी ख़त्म हुई। ठीक है, पूरी रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़रा ये समझ लो। सबसे पहले बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज़ 5%, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ 10%, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर 40%, फर्नीचर 10%, फर्नीचर 10%, जनरल प्लांट एंड मशीनरी 15%, प्लांट एंड मशीनरी में मोटर कार, जनरल मोटर कार 15%, रनिंग देम ऑन हायर 30%, मनीष की मनुष गर्लफ्रेंड 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, 15 वाली हो गई 30, 30 वाली हो गई 45, बाकी कुछ याद नहीं रखना। फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट कितना परसेंट, 40%, बुक्स फॉर प्रोफेशनल एसएससी 40%, बुक्स फॉर लाइब्रेरी 40%, नॉन प्रोफेशनल एसएससी एनुअल पब्लिकेशन 40%, नॉन एनुअल पब्लिकेशन 15%, फिर आपका इंटेंजिबल असेट्स 25%। डन, क्लियर? ओके, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? हाँ, मार दिया जाए,
हमारे मालिक आ गए क्या? ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट जिसमें हम सीखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बात हमने ऑलरेडी कर दी कि अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन में वो लोग असेट को नहीं गिनते, नंबर ऑफ डेज नहीं गिनते, वो तो ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट के हिसाब से सिमिलर कैटेगरी का ब्लॉक बनाते हैं, सब पे एक साथ डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। परचेज सेल पे प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट नहीं करते। तो कैसे करते हैं? पहले उन्होंने लिया ओपनिंग WDV। ये ओपनिंग WDV पहले साल में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है तो पहले साल में तो क्या होगा? जीरो। बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, हम करेंगे परचेज। परचेज को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। सर आपने तो कहा दिन नहीं गिनते, दिन नहीं गिनते, लेकिन एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है उन्होंने कि अगर किसी असेट को आपने 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया है तो उस पर तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर किसी को 180 डेज से कम यूज़ किया है, लेस देन 180 डेज, तो उस पर हाफ रेट से लगेगा। इसका मतलब ये 180 डेज को हम याद रखते हैं 3 अक्टूबर से। कैसे याद रखेंगे यहाँ पर? 3 अक्टूबर, गांधी जयंती के एक दिन बाद से। 3 अक्टूबर से पहले की कोई सी भी परचेज होगी तो उस पर फुल रेट से लगा देना। 3 अक्टूबर के बाद की, 31 मार्च की ही परचेज क्यों ना हो, उस पर हाफ रेट तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल WDV। ओपनिंग परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्या आ गई? टोटल। इसमें से माइनस कर दो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर में खास याद रखना एट सेलिंग प्राइस। एट सेलिंग प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा असेट बेचा, कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, आज उसकी WDV क्या है, सारी चीज़ें इरेलेवेंट। वापस बोलता हूँ, कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, आज उसकी WDV क्या है, सब इरेलेवेंट। रिलेवेंट क्या है? कितने में बेचा। हिंदी व्याकरण, कितने में बेचा, कितने का इम्पॉर्टेंट नहीं, कितने में बेचा वो इम्पॉर्टेंट है, माइनस कर दो। कम में बेचा हो, ज़्यादा में बेचा हो, प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, इररिलेवेंट, माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो है आपकी नेट WDV। नेट WDV पे अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन में अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, डेप्रिसिएशन में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा एट हाफ रेट। किसको मिलेगा? एट हाफ रेट वाले, जिसको बाद में खरीद के लाया है ना, उस पर उसको पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट है? जिसको बाद में खरीद के लाया उस पर डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे। मैंने डेप्रिसिएशन के भी चार्ट को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में बनाया है। डेप्रिसिएशन में पहला डाला है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हाफ रेट फुल रेट, और दूसरा डाला है एडिशनल डेप्रिसिएशन, हाफ रेट फुल रेट। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन ने नहीं पढ़ा तो उसको भूल जाओ। अभी अपन ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन के ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट के हिसाब से सबकी रेट्स पढ़ लिए, तो अभी अपन वो पढ़ते हैं कि जिसको आप 180 डेज से कम यूज़ में ले रहे हो उसका कितना हाफ रेट। बची हुई मतलब इधर मैं लिख देता हूँ रेसिड्यूअल वैल्यू। रेसिड्यूअल वैल्यू मतलब यहाँ पे जो आपकी नेट WDV आएगी ना, नेट WDV में से पहले क्राइटेरिया किसको मिलेगा? हाफ रेट वाली। उसके बाद किसको प्रेफरेंस मिलेगा? फुल रेट वाली को। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ यार रुक तो जा, पढ़ाऊँ पूरा ही पढ़ाऊँगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू? ओपनिंग WDV लूँ कि नहीं लूँ? ले लूँ, तेरे को मतलब नहीं तो ले लेता हूँ। मान लो ओपनिंग WDV थी 3 लाख, अब आप 5 लाख का तो खरीद के लाए 3 अक्टूबर के पहले, और 6 लाख का खरीद के लाए आप 3 अक्टूबर के बाद, टोटल कितना हो गया बेटा? 14 लाख। ठीक है, अब आपने इसमें से 9 लाख का कोई असेट बेच दिया, कोई बहुत पुराना असेट आपने 9 लाख में बेच दिया, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, पर प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट करना ही नहीं अपन, है ना? आपने कोई पुराना वाला असेट 9 लाख रुपए में बेच दिया, आपको ज़्यादा खुश नहीं होना, हो रहा मेरे को तो प्रॉफिट हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, टैक्स लग जाएगा, कुछ भी नहीं। कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, आज की WDV क्या है, इरेलेवेंट। कितने में बेचा? 9 लाख रुपए माइनस। ठीक है, अब आपके पास WDV कितना बचा है? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? हाफ रेट वाली।
सर हाफ रेट तो खुद 6 लाख, तो पूरे 5 पे हाफ रेट से ही लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आपने एसेट बेचा कितने में? 6 लाख। अब आपके पास वैल्यू कितनी बची? 8 लाख। पहले कितने पे लगेगा हाफ रेट वाला? हाफ रेट वाली कितनी चीज़ है? 6 लाख। तो 6 लाख पे अपन परसेंटेज ले लेते हैं, ब्लॉक ऑफ कंसेप्ट कितना परसेंट? 15% वाला है, हॉट फेवरेट। तो 6 लाख का 15% कितना हो गया? 90,000। तो ये हो गया, है ना? फिर कितना बची वैल्यू? अब 2 लाख। 2 लाख में कितना परसेंट लग जाएगा? फुल रेट 15%, 30,000। ठीक है, आ जाएगी आपकी क्लोजिंग WDV। एडिशनल को अपन क्या करना है? इग्नोर करना है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे चार्ट में बस मुझे जो सिखाना था वो ये एरो था और कुछ भी नहीं है। कि पहले किस पे लगेगा? हाफ रेट्स। क्लियर? मैंने दोनों कंसेप्ट सिखा दिया आपको कि अगर मान लो जो नेट WDV है वो हाफ रेट वाली से भी कम बच जाए, हाफ रेट वाली 6 लाख और यहाँ बची 5, तो पूरे 5 पे हाफ रेट, हाफ रेट से ज़्यादा बचे तो बचे हुए पे फुल रेट। क्लियर है? डन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी सिखा दूँ आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक रूल सिखा देता हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन का इस पर्टिकुलर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। सुनना और समझना अच्छे से, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी सुनना। आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो किस पे कैलकुलेट हुआ? कैलकुलेट तो क्लोजिंग वैल्यू पे ही हुआ। कैलकुलेट तो क्लोजिंग वैल्यू पे ही हुआ, भले कितनी भी खरीद के लाए हो, भले कितने का भी असेट हो आपके पास, कैलकुलेट तो क्लोजिंग वैल्यू पे ही होता है, पहले हाफ फिर फुल। लेकिन इससे ज़्यादा वाली वैल्यू पे कैलकुलेट हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन हो सकता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का इस पर्टिकुलर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हमेशा परचेज ड्यूरिंग द ईयर से, और एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट भी फिक्स्ड है 20%। कितनी है? 20%। उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं होते, उसमें तो एक ही है। कोई सी भी चीज़ खरीद के लाओ, कितना परसेंट? 20%, क्योंकि ये तो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तुम्हें तुम्हारी रेट तो मिलेगी ही मिलेगी। 20% का फर्स्ट ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगा, पहले ही साल में, फिर बाद में नहीं मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? कि भाई 6 लाख का ये तो हाफ रेट से लगने वाला है, तो 20% का हाफ कितना हो जाएगा? 10%। 6 लाख का 10% 0.6 लाख, डन। और 5 लाख का पूरा 20% 1 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब डेप्रिसिएशन कितना कितना लग गया सर? 8 में से 9 लग गया, 3 लग गया, 6 लग गया और 1 लग गया। माइनस करो, बताओ कितना बचा? फाइव पॉइंट टू। समझ में आया कि नहीं आया? प्रशांत अब बोल, क्या गलतियां ढूंढी तूने इसमें? ये रूल है एडिशनल डेप्रिसिएशन, असेट खरीदने की वजह से लगता है, तो जो असेट की वैल्यू है उसी पे लगेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन उसकी क्लोजिंग WDV पे लगता है, नेट WDV पे लगता है, तो उस पे लगेगा, डन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक क्राइटेरिया है कि जिस असेट पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, नए असेट पे, वो असेट आपके पास बाकी होना चाहिए। मैंने जो असेट बेचा है वो कौन सा वाला बेचा है? ओल्ड, पुराना वाला बेचा है, नए वाला तो नहीं बेचा ना, तो नए वालों पे डेप्रिसिएशन लगेगा भले ही वैल्यू क्या हो, कम हो। इनकी वैल्यू 5 + 6 = 11 है और वैल्यू कितनी बची है? 8। मैं तो पूरे 11 पे लगा दूंगा अगर लग सकता होगा तो। लग सकता होगा तो मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1.2 और 1.6 कितना आ रहा है? 2.8। सर 2.8 से तो ज़्यादा है ना नेट WDV, 2.8 माइनस हो सकता है ना? बिंदास माइनस करो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू ही 2 लाख होती तो 2.8 लगा सकते हो क्या आप? नहीं। तो मैं ब्लॉक की वैल्यू को अप टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंड डेप्रिशिएट कर देता, उसकी वैल्यू को क्या कर देता? 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? एडिशनल डेप्रिसिएशन असेट खरीदने पे लगता है तो परचेजिंग वैल्यू पे ही लगेगा भले ही नेट WDV क्या हो, कम हो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन नेट WDV पे ही लगता है, डन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक शर्त है
कि जिस असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो वो असेट बरकरार हो, उसको ना बेचो। अगर मान लो मैं इस 5 लाख वाली असेट को ही बेच दूँ तो फिर इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। 5 वाली पे बेच दूँ तो इस पर नहीं लगेगा, 6 वाली है 6 वाली पे लगेगा। डन, आई बात समझ? छः लाख पे हाफ रेट लगाई तो 10% हो गया, 5 लाख पे 20% लगाया तो 1 लाख हो गया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में भी 6 लाख पे हाफ रेट लगाई ना, नहीं 15% लगा दी मैंने, सॉरी वहीं रह गया, छोड़ो। अरे यार तू क्या है, वहीं रह गया क्या जहाँ शुरू हुए थे अपन? नेट WDV अगर कम आएगी तो पहले हाफ रेट से लगेगा ना? मैं यही तो कह रहा हूँ, एडिशनल का तो नेट WDV से कोई लेना ही नहीं है, वो तो दोनों असेट तुम्हारे पास डर करा रहे, दोनों ही लगाओ तुम, बस तुम्हारे पास ताकत हो माइनस कर देने की। समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके। अब सर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता किस पे, ये भी बता दूँ एक लाइन में बता देता हूँ। कंडीशंस तो इन डेप्थ काफ़ी सारी हैं, एक लाइन में बता देता हूँ। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपनी फैक्ट्री के अंदर यूज़ में आने वाली प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए तो उसके ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। सरकार का उद्देश्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कोई फैक्ट्री के अंदर काम में आने वाली प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाए तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल, एयर कंडीशनर एक फैक्ट्री के अंदर लगाया है और एक ऑफिस के अंदर लगाया है तो ऑफिस वाले पे नहीं मिलेगा, फैक्ट्री वाले पे लगेगा। मोटर कार फैक्ट्री के अंदर चलती है बाहर चलती है? बाहर चलती है ना, तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। प्रिंटर फैक्ट्री के अंदर लगाया है, ऑफिस के अंदर लगाया है, फैक्ट्री के अंदर वाले पे मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बाहर वाले पे नहीं मिलेगा। सिंपल रूल, सिर्फ प्लांट एंड मशीन पे मिलता है, बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह पे नहीं मिलता। ओके डन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा सी। कोई डाउट? वो लिख के देगा सर, हमें पता कैसे पड़ेगा कौन सी वाली बेची, पुरानी वाली बेची कि ये बेची कि ये बेची, हमें क्वेश्चन में लिख के देगा कि आपके पास शुरुआत में ए बी और सी एसेट थी, आपने डी और ई खरीद ली, एफ और जी और खरीद ली, उसमें से आपने बी वाली बेच दी, पता पड़ गया? डन, बाय, टेक केयर।